कल 26 अक्टूबर 2018 जो नवंबर 20 2018 को विधानसभा निर्वाचन संपन्न होने वाला है, उस हेतु कल 26 अक्टूबर से नाम निर्देशन की कार्यवाही शुरू हो रही है। नॉमिनेशन लिए जाएंगे बिलासपुर ज़िले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में जो अलग अलग रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए नियुक्त हैं, सभी के सभी नॉमिनेशन पेपर्स कलेक्ट्रेट में जिला कार्यालय में लिए जाएंगे। इस हेतु 2 गेट बनाया हुआ है एंट्री के लिए और 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए जो नॉमिनेशन का पेपर्स हैं वो हमारे भूतल पे लिए जाएंगे और बाकी 4 विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रथम तल पे जो कक्ष आरक्षित है रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए उसमें वो नॉमिनेशन प्राप्त करेंगे। इसके लिए 26 अक्टूबर 2018 से लेकर के और 2 नवंबर 2018 तक ये नॉमिनेशन पेपर्स लिए जाएंगे क्योंकि जो प्राप्त होंगे हम लोगों को। जैसा मैंने बताया कि इसके लिए निक्षेप की जो राशि होगी डिपॉजिट राशि की होगी जनरल ओबीसी के लिए और SC ST के केस में वो 5,000 का होगा। सुबह 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक नॉमिनेशन प्राप्त किए जाएंगे। समय के लिए बिल्कुल 11 मतलब 11, 3 मतलब 3, उसमें किसी भी तरह से कोई निगोशिएशन नहीं हो सकता है, वो समय उसका निश्चित रहेगा। 2 तारीख के बाद फिर उसके 3 तारीख को जो है उसकी समीक्षा होगी, स्क्रूटनी होगी और फाइनली 5 तारीख को 3 बजे तक जो भी ऐसे लोग इच्छुक अभ्यर्थी होंगे अपनी अभ्यर्थिता को कंडीशन को विड्रॉ कर सकते हैं। 3 बजे के पश्चात फिर सिंबल अलॉटमेंट का काम किया जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने जो और व्यवस्था की है नॉमिनेशन को प्राप्त करने के लिए, किसी भी तरह से कोई व्यवधान कहीं पे या परेशानी ना हो, बिल्कुल स्मूथली जो है उनका आना, लोगों का आना या कैंडिडेट्स का आना सुनिश्चित करने के 100 मीटर की परिधि में केवल 3 वाहन का परमिशन होगा। रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में अधिकतम प्रस्तावक सहित केवल 5 व्यक्तियों को आने की अनुमति है। 5 से ज़्यादा कोई भी रिटर्निंग ऑफिसर कक्ष में नॉमिनेशन करने के लिए नहीं आएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लोग हैं उनको इसके बारे में क्लियर कट पता होगा। साथ साथ मैं बताया कि जो कैंडिडेट्स संभावित होंगे जो नॉमिनेशन करेंगे उनसे भी अपेक्षित है कि अपने 6 फोटोग्राफ्स जो पिछले 3 महीने के अंदर के हैं उनको लेकर के आएंगे। फोटोग्राफ्स की साइज़ होगी वो 2x2.5 मतलब 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई, 2.5 सेंटीमीटर की लंबाई और एक सोबर फोटो होगा, वाइट बैकग्राउंड पे होगा। ये ऐसी अपेक्षा भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत है और वो सभी लोग उसको लेकर के जो भी आएंगे ये हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि वैसा ही करें। इस प्रकार इस अवधि में साथ एक अन्य महत्वपूर्ण बात, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत द्वितीय और चतुर्थ शनिवार सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को नॉमिनेशन प्राप्त नहीं करना है। तो बिलासपुर ज़िले में नॉमिनेशन हम लोग कल शुरू कर देना है। 27 तारीख पड़ रहा है चतुर्थ शनिवार, उसके बाद 28 संडे है। तो इस अवधि में 26 अक्टूबर से नवंबर की अवधि में 2 दिवस में 27 और 28 तारीख को कोई नॉमिनेशन प्राप्त नहीं करना। सर, अभी तक के आचार संहिता लगने के बाद कार्रवाई जो हुई बोर्ड के बारे में? हाँ, बड़ी कार्रवाई के रूप में कैश का सीजर हुआ है। कैश के सीजर के साथ ये बहुत अच्छी बात है कि आचार संहिता के प्रभावी होने के तुरंत पश्चात जितने भी तरह की हमारी टीम्स लगी है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करने के लिए, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है या प्राइवेट प्रॉपर्टी है जहाँ भी आचार संहिता के विरुद्ध कुछ था उसको हम लोगों ने 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे की अवधि में पूरा हटा दिया। उसके बाद जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड की टीम है, हमारी SST की टीम है, हमारी वीडियो व्यूइंग टीम है, उनके द्वारा कुछ चीज़ों में कुछ इस तरह की चीज़ें कहीं पे कुछ बटने के लिए जा रही हों, थोड़ी बहुत चीज़ें, कैश का जो सीजर हुआ लगभग 17 लाख रुपए का वो भी हमारे पास केस बन गया, वो सीज़ किया है। सो अभी बहुत बड़ी कार्रवाई के रूप में कैश का सीजर हो गया है। आगे भी अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल और सभी को आप लोगों के माध्यम से उन सभी लोगों को जो भी एंटी सोशल एलिमेंट इसको करने के लिए, गैरकानूनी काम करने के लिए अगर सक्रिय होंगे तो हम लोग बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। उन पे कोई शक नहीं होना चाहिए। निर्वाचन को बिल्कुल ढंग से संपन्न कराने के लिए मैंने SP को बोला हुआ है, जिले के पुलिस कप्तान को, कि जितने भी लोगों का प्रिवेंटिव एक्शन का मामला है वो सब बिल्कुल लिया जा रहा है। ऐसे असामाजिक तत्व, गुंडा तत्व जिनकी पहचान की गई है जो माहौल बिगाड़ते हैं उनको चाहे जिला बदर की कार्रवाई हो या NSA लगाने की कार्रवाई हो,
वो सब भी शुरू हो गई है। जिला बदर कार्य के प्रकरण हुए भी हैं, उनको किया भी गया है और आने वाले दिन में कुछ और भी बड़ी कार्रवाई इस पर होगी। बिल्कुल सर, ये शहर में भी जिस तरीके से नशे की हालत में कार्य करने वालों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए, क्या इसका भी संबंध जो है वो चुनाव को लेकर? बिल्कुल, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं इसका भी निर्देश है कि कोई भी नशे के नशा करके गाड़ी चला रहा है ऐसी स्थिति में क्या उसके पीछे क्या मोटिव है। एक तो नशा करके गाड़ी चलाना मना है, सो उसको हमारे जवान जो है जांच कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं, अवैध अगर निरस्त करने के लिए वो अगर ऐसा आता है तो उसमें नियम में भी है, अगर कोई ऐसा पकड़ा जाएगा तो ऐसे निरस्त करेंगे। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.